हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो, अभी देखिए, ये ब्लॉग है फ्राइडे का और अभी मैं 2-4 दिन के बाद से इसको एडिटिंग करके अपलोड कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि रोज़ के रोज़ डेली ब्लॉग डालूँगी, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जिसके चलते ब्लॉग डेली कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और हमारा सपोर्ट भी करिए, अपना खूब सारा प्यार दीजिए। सो ये बच्चे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा हलवा हलवा बना रही हूँ और इनका कुछ खाने का उतना मतलब कुछ खाने का मन नहीं है, तो सिंपल मैं इनके टिफिन में लंच पैक करके दूंगी। तो यहाँ पे दूध और दूध रात का है, रात को दूध भी नहीं ये लोग लिए थे तो दूध रख दिया था, तो बस उसको गर्म किया है और इसमें मैंने चीनी और हॉर्लिक्स इसमें मिला दिया है और इसके साथ बिस्किट खाएंगे और यही खा के लोग जाएंगे स्कूल और हलवा लेके जाएंगे लंच में। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, एंजॉय करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए और दोस्त फैमिली के साथ शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए। सो ये लोग रेडी हो चुके हैं और अब ये लोग जाएंगे 6:30 बजे के करीब स्कूल। तो बस मिलते हैं आप सभी से कुछ देर बाद इनको स्कूल भेजने वेजने के बाद से। बच्चे सभी स्कूल जा चुके हैं तो मैं आ गई हूँ मंदिर। सो आप सभी को पता ही होगा कि जब बच्चे सभी स्कूल चले जाते हैं तो मैं आ जाती हूँ मंदिर पूजा वूजा करने, बच्चे लोगों को स्कूल भेजने के बाद से। तो बस उनका काम हो गया है और मेरा अभी रूटीन स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग का। सो अभी मैं पूजा करूँगी और बस आरती उरती हो रही है, पूजा संपन्न भी हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से पूजा वूजा करने के बाद और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए जिससे मेरे को भी थोड़ा सा लगे कि आप सभी को हमारी ब्लॉग पसंद आ रही है और आप सब एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और पूरा एंड तक देखिए। और अभी मैं जा रही हूँ ठाकुर जी वाले जो मंदिर है, मतलब वाला जो रूम है जिसमें ठाकुर जी विराजमान है और हनुमान जी भी विराजमान है, तो यहाँ पे तो इनकी भी पूजा वूजा होगी और इसके बाद घर पे भी चलेंगे तो पूजा करेंगे। सो ये नहीं कभी मतलब करना चाहिए कि सोमवार के दिन शंकर जी का कर लें, मंगलवार के दिन हनुमान जी का, तो सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए, सभी की पूजा पाठ करना चाहिए। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है फ्राइडे और सुबह के 8 बजने वाला है और अभी मैं जस्ट आई हूँ पूजा करके और मैं जा रही हूँ चाय पीने। मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और बच्चे सभी स्कूल जा चुके हैं, उनके लिए लंच पैक करके दे दिया है। लंच में आज मैंने कुछ ज़्यादा हल्का कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, हल्का ही लंच पैक करके दिया है, बस हलवा बनाया था सूजी का और उन लोगों का कुछ ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि यही बना के दे देती हूँ। और ये वाली जो लाइक किट है, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था मदर्स डे पर, तो वाला ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ आप सभी को। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए A few moments later. So, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे अब मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, मसाले वाली जो भिंडी की सब्जी होती है सूखी, वो वाली सब्जी बना रही हूँ। तो क्या करना है,
पहले मैंने भिंडी को अच्छे से साफ कर लिया था, क्लीन कर लिया था और पानी को निथरने के लिए रख दिया था, तो पानी निथर गया था। तो इसको मैं बराबर बराबर दो भागों में काट रही हूँ और जो आगे का और पीछे का पार्ट होता है उसको मैं निकाल दे रही हूँ। बस अच्छे से काट लिया है और बीच से मैंने दो दो भाग कर लिया है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि जो मसाले हम ऐड करेंगे वो अंदर तक जाए और अच्छी सब्जी बनके तैयार हो जाए। तो मैंने तेल ऐड किया और तेल जैसे ही मतलब गर्म हुआ, हीट हुआ, तो मैंने प्याज मिर्च को ऐड कर दिया और फिर मैंने भिंडी को ऐड किया और जो भी मसाले थे, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, जो भी मसाले थे उसको मैंने ऐड कर दिया और बस भिंडी की सब्जी रेडी है और दाल चावल रोटी भी बन गया है। और 10:30 बज रहा है और मैं हो गई हूँ फ्री और यहाँ पे देखिए पूरा सिंदूर जो है बह चुका है गर्मी की वजह से। वैसे तो आज ज़्यादा गर्मी वर्मी नहीं थी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी के दिन में जब ये सिंदूर लगाओ रेड वाला तो ये बह जाता है गर्मी की वजह से, पसीने भी आते हैं मुझे बहुत सारे, तो उसकी वजह से सिंदूर जो है बह जाता है। और सारे काम भी हो चुके हैं, मैं फ्री हो चुकी हूँ। वैसे तो मैं जगती हूँ रात में, तो मैं सुबह में जगती हूँ 3:30 बजे, नींद मेरी 3:30 बजे तक खुल जाती है लेकिन थोड़ी सी आलस आती है तो मैं 4 बजे तक उठ जाती हूँ और उस टाइम से लेके और 9:30 बजे तक पूरा मतलब काम मेरा जो है हो चुका होता है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और लाइट भी है अभी, ये लाइट रहेगी 11:30-12 बजे तक रहेगी, उसके बाद ये जो लाइट भी है ना वो आती ही जाती है, रहती नहीं है। तो इसके वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँगी, उसके बाद ही मैं लंच करती हूँ। और आज मैंने बनाया है मसाले वाली भिंडी, तो बहुत ही ये सिंपल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें लाइक करिए और खूब सारा सपोर्ट करिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है और घर के सारे लोग खा भी चुके हैं, खाना वाना हो गया है, बस मैं बाकी हूँ और बच्चे सभी आएंगे 1:30 बजे के करीब में, वो लोग भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। और अभी तक मैंने बिस्तर उस्तर सही नहीं किया है, देखिए पीछे ऐसे ही सब पड़ा हुआ है, तो बस बेडशीट वगैरह सही करना है। और मिलते हैं आप सभी से कुछ देर बाद लंच वंच करने के बाद। A few moments later. सो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा और ये रहा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, और आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। सो गाइस, इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।